फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में लस्सी की रेसिपी शेयर करेंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके साथ में इसमें कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि आपकी लस्सी बिल्कुल मार्केट जैसी और टेस्टी बनेगी। और साथ ही हम आपके साथ में 4 फ्लेवर की लस्सी शेयर करेंगे। तो चलिए लस्सी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी ये लस्सी की रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए लस्सी बनाना शुरू करते हैं, और साथ ही हम आपको इसकी सामग्री भी बताते जाएंगे। लस्सी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोने में 3 कटोरी के करीब दही लिया है, और ये दही मेरा होममेड दही है। अगर आपको जानना है कि ये दही हमने कैसे बनाया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम इस दही में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर। हमने दही में लगभग 8 टेबल स्पून पाउडर शुगर डाला है। आप पाउडर शुगर की जगह पर दानेदार वाली शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पाउडर शुगर क्यों डाला है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पाउडर शुगर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब। आइस क्यूब आप जितना ठंडा चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। आइस क्यूब डालने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर विस्कर का यूज़ करेंगे। आप विस्कर की जगह पे जो लकड़ी की मथानी आती है वो भी ले सकते हैं। और यकीन मानिए, इस तरह से बनाई हुई लस्सी का टेस्ट मिक्सी की बनी हुई लस्सी के टेस्ट से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। और यकीन मानिए, मार्केट में जो लस्सी बनाई जाती है वो ज़्यादातर इसी मेथड से बनाई जाती है। और एक बात, अगर आपका दही खट्टा है तो आप उस दही में थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। दूध मिलाने की वजह से दही में जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्रेश दही यूज़ किया है तो उसमें आपको दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने दही में दूध नहीं मिलाया, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्रेश दही यूज़ किया है। अब हम आपको बताते हैं कि दानेदार चीनी की जगह पे मैंने पाउडर शुगर क्यों यूज़ किया। हमने पाउडर शुगर इसलिए यूज़ किया क्योंकि दही फ्रिज में रखे होने की वजह से दही ठंडा था, और साथ ही हमने उसमें थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दी, जिससे कि दही और ठंडा हो गया। क्योंकि दही ज़्यादा ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने इसमें पाउडर शुगर का यूज़ किया। पाउडर शुगर ठंडी चीज़ों में आसानी से घुल जाती है, लेकिन दानेदार चीनी को घुलने में समय लगेगा, इसीलिए मैंने इसमें पाउडर शुगर का यूज़ किया। और ये देखिए, दही भी अच्छे से मिक्स हो गया है और पाउडर शुगर भी अच्छे से घुल गई है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं कि इस लस्सी में मैंने आधा टेबल स्पून इलायची पाउडर भी यूज़ किया है। पता नहीं कैसे वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, जिसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। और ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल सिंपल तरीके से लस्सी बनकर तैयार हो गई है, या आप इसे लस्सी का बेस भी कह सकते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं, और सर्व करने के लिए हम एक ग्लास लेंगे और इस ग्लास में ये लस्सी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने ग्लास में सिंपल लस्सी डाल दी है, और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। चलिए अब हम दूसरे फ्लेवर की लस्सी बनाते हैं, और दूसरे फ्लेवर की लस्सी हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा से, यानी रोज़ लस्सी। और रोज़ लस्सी बनाने के लिए हम फिर से एक ग्लास लेंगे, और उस ग्लास में हम डालेंगे रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़ा शरबत। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा शरबत नहीं है या रोज़ सिरप नहीं है, तो आप रेड फूड कलर और रोज़ एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा शरबत ग्लास में डाला है, और ये रूह अफ़ज़ा शरबत होममेड है, यानी मैंने इसे घर पर बनाया है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़ा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने लस्सी का बेस बनाया है। और ये देखिए, हमने ग्लास में लस्सी डाल दी है, और अब हम इसे एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, रूह अफ़ज़ा लस्सी या रोज़ लस्सी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा रोज़ सिरप। ये देखिए,
चलिए अब हम बनाते हैं तीसरे फ्लेवर की लस्सी। और तीसरे फ्लेवर की लस्सी हम बनाएंगे ठंडाई लस्सी। और ठंडाई लस्सी बनाने के लिए हम एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून ठंडाई सिरप। और ये मेरा होममेड ठंडाई सिरप है जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और ठंडाई सिरप डालने के बाद अब हम इसमें फिर से डालेंगे लस्सी का बेस। और लस्सी डालने के बाद अब हम इसे भी एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, मिक्स करने के बाद ठंडाई लस्सी भी बनकर तैयार हो गई है। और यकीन मानिए, ये लस्सी बहुत टेस्टी बनती है, इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम बनाते हैं चौथे फ्लेवर की लस्सी। चौथे फ्लेवर की लस्सी हम बनाएंगे शाही लस्सी या स्पेशल लस्सी। और शाही लस्सी बनाने के लिए हम फिर से वही लस्सी का बेस ले लेंगे। ये देखिए, एक ग्लास लस्सी का बेस ही मेरे पास बचा है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध। मैंने गरम दूध में थोड़ी सी केसर डाल दी थी ताकि केसर का कलर और फ्लेवर दूध में आ जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे लगभग 1.5 टेबल स्पून मावा। और मावा को हम हाथों से हल्का सा क्रम्बल करते हुए ही लस्सी में डालेंगे। और मावा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे खूब सारे ड्राई फ्रूट्स। और ये मैंने काजू, बादाम और पिस्ता को चॉप कर लिया है और इसे हम लस्सी में डाल देंगे। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स घर पर अवेलेबल हो आप उन्हें डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैंने यहाँ पर लगभग 3 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स लस्सी में डाले हैं। और देखिए, मिक्स करने के बाद अब हम लस्सी को सर्व करेंगे। और सर्व करने के लिए हम फिर से एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में ये शाही लस्सी डाल देंगे। और ये देखिए, हमने ग्लास में शाही लस्सी या स्पेशल लस्सी डाल दी है। और अब हम इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से केसर के धागे। और केसर के धागे डालना टोटली ऑप्शनल है। इसी तरह हम जो हमने और 3 लस्सी बनाई है उसमें भी हम गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागे डाल देंगे। और ये देखिए, हमारी चारों फ्लेवर की लस्सी बनकर तैयार हो गई है। और ये है सिंपल लस्सी, ये है रोज़ लस्सी, ये है ठंडाई लस्सी और ये है शाही या स्पेशल लस्सी। और देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसी दिख रही है ना। और यकीन मानिए, टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा है। लस्सी के एक बेस से आप कई तरह के फ्लेवर की लस्सी बना सकते हैं। तो आपको हमारी ये चारों फ्लेवर की लस्सी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन लस्सी को आप एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आपको हमारी ये इंस्टेंट बनने वाली लस्सी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी।